हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान। मैं हूं फिजान। तो आज हम रिएक्ट करेंगे न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टाइट। तो ये क्रिकोमेडी एपिसोड नंबर 50 अरसलान नासिर CBA की तरफ से। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू हिज चैनल। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच हुआ था और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। उनके सिक्योरिटी इश्यूज जो थे वो सॉल्व कर दिए और एक अपना रिवेंज लिया। तो देखते हैं इन्होंने इस बारे में क्या बातें की है। शुरू करते हैं, हियर वी गो। नहीं, मैंने पूछना ये था कि इतना सिक्योरिटी थ्रेट काफी था या थोड़ा और भी आप लोगों को चाहिए थे? ये बेचारे मासूम यहाँ पिंडी से भागे थे वहां पर UAE में, वहां पर भी पहुंच गए, उनके लिए थ्रेट जो था। देखो, मौत और थ्रेट जो होते ना, इनसे कोई भी नहीं बच सकता। इज्जत तो हमारा रैम्बो भी खड़ा हुआ था इनके लिए बुजुका लेके, पूरा ना सिक्योरिटी थ्रेट को काउंटर करने के लिए। वैसे आपस की बात है कि एंड में थोड़ा सा हम डर भी गए थे, जब 4-5 आउट हुए थे ना, तो हम लोग चीखे मारना शुरू कर दी थी कि प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया। तस्वीर के ऊपर हाथ खुद ब खुद फिरना शुरू हो गया, लोग मसाला लगा के बैठ गए। वैसे पता क्या होता क्या है, अल्लाह ताला को ना हमारी यही जो अदा है ना वो पसंद रहती है। उसको पता कि यार ये जब इनके ऊपर कोई मुश्किल वगैरह आती है ना, तभी नमाज पढ़ रहे होते हैं, मेरा जिक्र करना शुरू हो जाते हैं। तो वो अल्लाह ताला को हमारी अदा इतनी पसंद है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्केयर में दे देते हैं कि जरा थोड़ा सा जो है ये मैं इनको इनकी ये अदा भी देख लूँ। वैसे जब हम जीत रहे होते हैं तो हम फुल टाइम तेरी पैंट तेरी माँ इसी किस्म की चीज़ें करते, तब कोई हमें जो है किसी किस्म की कोई इंसानियत नहीं होती। ये बात तो सही है। अभी अभी हमने हाईलाइट देखी मैच की और एंड में तो सच में लग रहा था कि भाई पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन आसिफ ने आकर बैक टू बैक 2 6 लगाए, उसके बाद शोएब मलिक ने 1 6 1 4 लगाया, फिर लगा कि हाँ भाई अब पाकिस्तान को जीतने से नहीं रोक सकते ये लोग। बट हाँ, लगने लगा था कि भाई पाकिस्तान के हाथ से मैच जा रहा है। ऑलमोस्ट सोडी ने 2 विकेट ले लिए थे तो लग रहा था भाई पाकिस्तान हार सकती है मैच, बट एट द एंड रिजल्ट कुछ और ही निकला। चलो आगे देखते हैं। लेकिन खैर, क्या प्रेशर वेशर यार, फिर मानते हो मेरे दोस्त आसिफ को याद दी। बात सुनो, पहले मेरी सारी पुरानी वीडियोस निकालो जिसके अंदर मैं कहता रहा हूँ कि ये किसी दिन एक ऐसा काम करेगा कि इसके सारे गुनाह जो ना वो माफ कर देंगे। मैं बड़े से तुमको ये बता रहा हूँ कि आसिफ अली ने जो किसी दिन एक ऐसा काम कर देना, ये आज ही उसका वो दिन था। उसने कोई ऐसी हरकत कर देनी है कि पूरी दुनिया जो है ना वो उसे डर जाएगी। अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अभी भी उसने वो परफॉर्मेंस नहीं दी है, आगे आएगी इसकी एक और परफॉर्मेंस जिसके बाद लोग जो है ना बस वो लेट जाएंगे उनके ऊपर आसिफ आसिफ हो रहा होगा हर जगह। छोड़ो यार पुरानी वीडियोज का तुम लोगों ने निकालनी, उसके ज्यादा टाइम लगेगा। ये भाई का ट्वीट चेक कर लो यार, तो मुझे पता था कि आज जो है ना वो आसिफ ने कुछ करना है। और ये युवा आसिफ आया नहीं है कि बस ये छक्का वो छक्का यार, सच में ये 4-6 मारे यार, फिर भी उसने छक्का मारा और क्या पावर है यार उसमें, बेचारे कीवी जो है वो तैयारी बाबर और रिजवान की करके आए थे, आसिफ जो है वो आउट ऑफ कोर्स आ गए। इंशाल्लाह ले गया मेरा दोस्त आसिफ जो है ना टीम को सेमीफाइनल के अंदर ले गया। वैसे मैं हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी कि फलानी टीम को हरा दे, उधर बारिश हो जाए, इधर ये हो जाए, आजाब आ जाए, बस गिर जाए उनकी खाई के अंदर, इस की कोई बातें हम नहीं कर रहे हैं। वरना तो जब भी जो भी टूर्नामेंट होता है उसके अंदर हम लोगों पे इतनी मुश्किल आती ना, इतनी कैलकुलेशन जरूरी होती है कि सब की सब पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो MSc मैथमेटिक्स हो जाती है। खैर मुझे बताओ भाई, तुम लोगों की सिक्योरिटी का मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ है? यार स्पेशल एजेंट बन के आए हमारे जो खिलाड़ी हैं, इनको कहा कि इधर आए हमारे पिच पे आ जाए, हम आपको ना सेफ जगह पे ले जाते हैं। रो एजेंट चकमा देकर ना सीधा पिच के ऊपर लेके आए, वहां पर जो इनको बांधा है ये बकरी की तरह इनको बांधा हुआ था और ये रख रख के चमाटे मारे, यूं गाल से दबोचा हुआ था और बोल रहे थे कि मैच के शुरू में टॉस के ऊपर ही बाबर ने इसको कह दिया था कि वो देखो ऊपर ऊपर से थ्रेट आ रहा है नीचे। हसन अली ने क्या कोई गोला मारा है इसको, मैं कहता हूं ये गोलियां, ये जो गोलियां हसन अली का थ्रो भी कमाल था, ये असल थ्रेट था, इन्हीं गोलियों से तो ये डर गए थे। इतना ज्यादा इनको थ्रेट था कि क्रीज से भी जो है ना भागते फिर रहे थे। भाई जिस मुल्क के अंदर इतना ज्यादा 5-0 से हारे बंदे, इनको भागना तो था ही। इनके मुल्क के अंदर सिर्फ ये इनकी टीम है और एक रग्बी की टीम है, तो अगर इनकी टीम को कुछ हो रहा था ना तो इनको ये शक पड़ गया था कि यार कहीं हमारी पार्लियामेंट के अंदर कोई भेड़े भेड़े इलेक्ट होके ना आए। वैसे मुझे बहुत ही गुस्सा था इन पर, लेकिन फिर इनकी क्राउड सपोर्ट देखकर ना मेरा दिल थोड़ा सा नर्म हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर सख्त लौंडा उसको जिंदा किया और मैंने कहा नहीं यार भाई नहीं, देखो इस वक्त ठरक को साइड पे कर लें, लेकिन जो बात असूल की ना वसूल की है, बदला लेना है इनसे इनके। मैं तो कहता हूँ वो, बल्कि जो इनका कप्तान है वो कह रहा था कि भाई आई होप के कोई ग्रजेज नहीं रखे होंगे, तो पागल तो नहीं हो गया इस कॉम को, हमें तो कोई गाड़ी जो है ना वो साइड से कट मार के चला जाए तो हम उसको घर तक छोड़ के आते हैं, उसको नहीं हम छोड़ते, हम तुझे छोड़ देंगे। अच्छा भला हम कह रहे थे कि हमारे साथ लोकल मैचेस खेलो, वहाँ के ऊपर अपनी बिस्ती विस्ती करानी वहाँ पर करो, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके ग्लोबल इवेंट के ऊपर नंगा होना, तो तुम लोगों को शौक ही कहते हैं कि जी ग्रज नहीं रखना। मैं तो कहता हूँ ये शाइना अफरीदी ने उसको बॉल कराने से पहले चप्पल उतार के मारना चाहिए था इसको, ऐसे ग्रज निकालते हैं। खैर बड़े कोई ट्रोल किया है ने इनको, जो वहां पर स्टेडियम के अंदर बैठे स्टेडियम के अंदर इनके ऊपर नारे लगाए सिक्योरिटी सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी सिक्योरिटी फील्डिंग कर रहे हैं।
वो फील्डिंग कर रहा है ना उसको बोल रहे सिक्योरिटी सिक्योरिटी। यहाँ पे न्यूज चैनल्स भी शुरू हो गए इनको ट्रोल करने के ऊपर। ये हेडलाइंस है जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि शारजा की सख्त सिक्योरिटी में पाकिस्तान टीम का न्यूजीलैंड पे सख्त लाठी चार्ज। दूसरी तरफ इंडियंस में वो भी दुआएं मांग रहे थे कि न्यूजीलैंड आज हार जाए, और वैसे भी इस बंदे की बात में दम भी है। पाकिस्तान की जीतने की कामना भाई, मैं भी यही सोच रहा था कि न्यूजीलैंड हारेगा इससे इंडिया का भी फायदा होना है। अभी तो कल हम हारे ऊपर से ये कह रहे हैं पाकिस्तान की जीतने की कामना करें। यार वो इंडिया के लिए जरूरी हार जाता है, क्योंकि इंडिया अगर पाकिस्तान से हारा हुआ है तो पाकिस्तान को कम से कम वो जो है टॉप के ऊपर ही देखे कह रही, तो टॉप पे निकले हम फिर सेकंड पोजीशन के लिए लड़ना शुरू हो जाए। अगर पाकिस्तान हार जाता तो फिर वहीं बीच में खिचड़ी बन जाती, इनके लिए और मसले बन जाते। ऊपर से मुझे तो सही बताऊं तो मुझे डर लग रहा है अफगानिस्तान से, उनके पास हिटर्स हैं, उनके पास वर्ल्ड के दो तीन टॉप के स्पिनर्स भी हैं, यही काफी होते हैं टी20 के अंदर। उनके कहीं बल्ले बल्ले चलना शुरू हो गए ना, 150 रन बना रहे तो बड़े आराम से किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। एक अपसेट तो कंफर्म है, उनकी स्पिन तो खतरनाक है भाई, तो बेखम जमीन के ऊपर वापस आ जाए, क्योंकि ये बड़ा डर लग रहा है जो अगला हमारा मैच है अफगानिस्तान के साथ। खैर इंडिया के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान जीत गया, और उसी से मुझे याद है कि मेरी जो पिछली वीडियो थी जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बनाई थी, मैं इधर ऊपर बुलबुले में उसका लिंक दे रहा हूँ यार, उसके ऊपर जाएं वहाँ पे आप जरा चेक करें जो इंडियंस ने कमेंट्स किए हैं। मैं कहता हूँ लव है यार, आप लोग लव है। हमारी जो सीबी आर्मी है ना यार, वो बॉर्डर वॉर्डर नहीं देखती, चाहे पाकिस्तान में या इंडिया में हो, बे सिर्फ प्यार की बात करेंगे हम लोग। मैं कहता हूँ जाएं और जाके सब जितने भी कमेंट्स हैं ना जो भी इंडियंस ने किए हैं, इतनी इतनी अच्छी बातें की हुई हैं, उसके ऊपर जाके उनको लव पेश करें, उनको फूल पेश करें, जो भी पेश करना है करें। बट अमेजिंग यार, बेहतरीन फीडबैक। पता नहीं यार कौन से जाहिल लोग हैं जिनको हर जगह से हाईलाइट कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी हैं पाकिस्तान के अंदर भी हैं, जिनको मीडिया हमेशा हाईलाइट कर रहा होता है। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग भी जो तंग आ गए इन सब चीज़ों से, और मुझे पता है जो भी असल क्रिकेट के फैंस हैं स्पेशली जो इंडिया के अंदर है, उनको अच्छा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो कुछ एक पावरफुल टीम बनके सामने आ रही, ताकि वो राइवलरी तो हो ना, वन साइडेड मैचेस के अंदर उनको भी मजा नहीं आता था। खैर जो भी हो जाए, हफीज भाई जो है ना यार जबरदस्त है, पता नहीं क्यों क्या दो विकेट लिए इन्होंने भी, नहीं होना चाहिए भाई। इतना बेहतरीन किस्म का आपके पास एसेट है, किसी बॉलर को हल्की सी भी पड़ रही हो तो इसको ओवर दे दो, ये जो है कोई ना कोई आउट कर लेता है। बल्कि लेफ्टीज तो इस बेचारे को देखते ही कहते हैं अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ यहाँ से। लेफ्टीज को तो ये ऐसे खा जाता है जैसे किसी खरगोश के सामने आपने गाजर रख दी हो। लेकिन फिर बात की जाए रूफी के बारे में, यार मेरा रूफी रूफी या तू, इसने ना पाकिस्तान इंडिया वाले ये भी आउट ऑफ सिलेबस आ गए भाई, विकेट नहीं ली थी इसने, चार विकेट ले गए। बेहतरीन किस्म की इसने इकॉनमी रखी हुई थी, वो भी बहुत ही क्रूशियल किस्म के ओवर्स के अंदर। अभी भी जो बेहतरीन बॉलिंग की है यार मेरे बॉय ने, कोई चार आउट कर लिए हैं यार। लाहौर कलंदर के सारे गुनाह माफ है, ये जो एक हीरा इन्होंने हमें दे दी है, और हम सब ने इतना इसको ट्रोल किया, हर कोई जो इसके ऊपर जो मजाक करता नहीं, इसने सबके मुंह के ऊपर जो प्लास्टिक वाला जूता मारा है। सही तरह मेरा वो शहजादा यार शुएब मलिक, यार मैं कहता हूं हर कोई बंदा जो है ना उसके ऊपर भी बात कर रहा था यार, एक्सपीरियंस का कोई इनेबल बदल ही नहीं। ये बंदा जो है मुगल अंपायर के जमाने से खेल रहा है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में भी ये खेलेगा। लेकिन क्या बेहतरीन खेल रहे, मेरा फिटनेस का ब्रांड एंबेसडर है ये बॉय। आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, इस तरह होता है प्रेशर सिचुएशन के अंदर, कैसे सिंगल डबल शबल लेके। दूसरी तरफ आप लोग शुएब मलिक का बहुत बड़ा हाथ था पाकिस्तान को जिताने में, पता नहीं ये हमारे जो पिछले कोच थे ना, मुझे तो उनके ऊपर शक आ रहा है कि उन्होंने इनका दिमाग खराब किया। अभी कोई कोच वोच नहीं ना, वैसे भी जो आए हैं वो इंटरनल बेसिस के लिए आए हैं, तो इसलिए जो नहीं अपना खेल रहे हैं, सिर्फ कप्तान की सुन रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर। इसी तरह रखो टीम को भाई, हमें कोई कोच नहीं चाहिए। दूसरी तरफ पता चला यार को बड़ी शर्म की बात है कि शामी जो है वो इंडियन बॉलर उसको गालियां पड़ रही, उसको लोग कह रहे हैं कि यार तू गद्दार है, तू पाकिस्तान वापस चला जाए। यार ये क्या बात हुई, एक तो आपके अपने जो जितने भी इंडियंस जो हिंदूज थे उन्होंने, शर्मे ने कुछ नहीं किया, केएल राहुल ने कुछ नहीं किया, बाकी आपकी जितनी भी लाइनअप थी बैटिंग की जिसने कुछ भी नहीं किया है, उनको तो कोई नहीं कह रहा कि यार तुम गद्दार हो, ये बेचारा मुसलमान है तो इसके कहने दिया था, बहुत ही बुरी बात है। वैसे सारे प्लेयर जो है उन्होंने भी जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, इंडिया में ही बहुत प्लेयर्स हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है। हमारा रिजू जो है यार लवली भाई, यार तू मेरा दिल ले ले यार, तू रिजू रीजन रिजवान ने भी बहुत ज़बरदस्त ट्वीट किया। मेरा ख्याल में ये जो है ना स्पोर्ट्स के अंदर इस तरह की घटिया हरकतें डालना ये बहुत ही बकवास चीज़ है यार, कम से कम ये नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने भाई कि ये इस तरह से स्पोर्ट्स में धर्म रिलीजन को लाना ये सब गलत बात है स्पोर्ट्स के अंदर। स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है, इसको अलग ही रखना चाहिए रिलीजन से। प्लेयर्स इसको एज अ गेम ही लेते हैं, एज अ गेम ही इसको लेना चाहिए। और बात करें मोहम्मद शमी की, तो मोहम्मद शमी के अगेंस्ट कुछ लोगों ने ऐसे ट्वीट किए थे कि यार तू गद्दार है ये वो करके, बट फिर उसके सपोर्ट में उसके बाद अगर देखें तो पूरा इंडिया आ चुका था ऑलमोस्ट, काफ़ी सारे लोग, सिर्फ कुछ लोग थे ऐसे जो घटिया लोग हर जगह होते हैं वो ऐसा ट्वीट कर रहे थे या उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट कर रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल उसको सपोर्ट ही कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मीडियाज़ में या स्पेशली पाकिस्तान मीडिया में उसको कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि पूरा इंडिया शमी के खिलाफ बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है। इंडिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भी शमी के सपोर्ट में ही बोला है। जब जो इंडिया जो क्रिकेट के भगवान जी ने कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले यही ट्वीट करा था। सचिन तेंदुलकर ने भी सपोर्ट किया, आगे देखते हैं आमिर साहब और भज्जी साहब जो है वो भी लड़ रहे हैं, पहले तो मेरी अलग ही फाइट चल रही है।
क्रिकेटर्स हैं ना यार, इनसे किसी तरह सोशल मीडिया एक्सेस छीन ली जाए, इनको कहीं ग्लोबल लेवल के ऊपर रिकग्निशन मिल जाती है, और फिर इनको पता भी नहीं है कि करना क्या है इस सब चीज़ों का, सोशल मीडिया क्या है, बस वहाँ पर आके ना मुंह के जो जुलाब इनके निकल रहे होते हैं। सारे एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो बस यही गंद बला में लगे हुए होते हैं, इनका खुदा के लिए इनका ट्विटर श्विटर सब कुछ बंद कराओ यार, इनको कुछ पता नहीं है क्या बकवास किधर करनी है किधर नहीं करनी। इतनी कोई घटिया किस्म की लड़ाई हो रही है, तो भी माँ बहन की गलियों पर आ जाएंगे, वो उसको ताने दे रहा है कि तू मैच फिक्सर है, दूसरा उसको ताने दे रहा है कि भाई तू तीन दिन पहले जो है वो सदमे से गुजरा है। यार क्या बच्चों वाली हरकतें हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने सेल्फी खींची। और मैंने नोट किया कि जितनी भी सेल्फीज होती है ना उसके लिए शाहीन शाह अफरीदी को एज अ सेल्फी स्टिक यूज करते हैं, और कोई 11-1 फुट का तो उसका हाथ तो वो यूं लंबा करता है, और उनकी सारी की तस्वीरें आ रही थी, पूरी की पूरी टीम भी उसके अंदर आ जाती है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि मेरे सरफू के ऊपर जो ना पठान जंप मार, वो जो अफगानिस्तान का और स्कॉटलैंड का मैच हुआ है उसके अंदर क्या है, कोई बेहतरीन किस्म का मार दिया अफगानिस्तान ने, बिल्कुल वैसे ही मारा जो मेरा ख्याल में हम जो बड़ी टीम है ना हम भी नहीं मार सकेंगे, और बहुत गंदा मारा अफगानिस्तान ने, उसे हरा दिए उनको यार, उनका रन रेट जो है 6.5 पे पहुंच गया। बात कही नेट रन रेट के ऊपर आ गए ना भाई, तो मुझे हालात बहुत ही बुरे लग रहे हैं कुछ टीम्स के। अफगानिस्तान का बड़ा जबरदस्त किस्म का चांस है आगे जाने का, अफगानिस्तान ने आगे नामीबिया को हराना है, और फिर पाकिस्तान इंडिया या न्यूजीलैंड में से किसी एक टीम को हराना है और वो आगे जा रहे होंगे, और वैसे भी न्यूजीलैंड जो है मुझे वैसे ही लग रहा है कि इनके सामने डर जाएंगे क्योंकि वहां पे भी काफी थ्रेट है। दूसरा मैच हुआ था एक साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का भी, उसमें क्या बेहतरीन किस्म की ओपनिंग की है हमारे सैमिंस ने, मैं कहता हूं इसको मैन ऑफ द मैच, न्यूजीलैंड को हारना चाहिए भाई, अफगानिस्तान को जीतना चाहिए। पावर प्ले के अंदर यार पता नहीं किस किस्म की, कौन से जमाने की ओडीआई क्रिकेट हो रही है, ओडीआई में भी अब तो ये नहीं होता, 35 बॉलों के ऊपर 16 रन बनाए और ओ पे जान। सुना कि वो डीकॉक भी जो है उसने भी फॉरन मैच से पहले ही पर्सनल रीजन दे के कह दिया था कि मैं नहीं अवेलेबल हूँ, और इस तरह खबरें मैं सुन रहा था जिस अंदर वो कह रहे थे कि वो ब्लैक लाइव्स मैटर जो है उसके ऊपर उन्होंने जो है कर देता कि मैं नहीं करता भाई ये चीज, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को इस बारे में पता है जरूर बताएं कमेंट्स के अंदर। खैर वो लोग जो बहुत अच्छे थे मेरी कॉमेडी को फॉलो करें उनको पता है कि हमारा एक सेक्शन हो गया था जिसके अंदर हम यूट्यूब के ऊपर जितनी बकवास और थर्ड क्लास किस्म के थंबनेल्स होते थे जो कि क्लिक बेट के लिए यूज करते हैं हमारे यूट्यूबर बरादरी ताकि उनको व्यूज मिल जाए उनके बारे में बात करते हैं। तो आज का भी एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का थंबनेल है जो मेरी नजर में सामने गुजरा, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें भाई बता रहे हैं कि मैच जीतने के बाद बाबर ने कोहली को एक ऐसी जगह पर हाथ लगाया कि सारा भारत नाराज हो गया। नहीं मुझे ये बताओ कि ये बहुत घटिया हरकत है भाई, यार उस बंदे की अपनी प्रॉपर्टी है ना, पूरे भारत की प्रॉपर्टी तो नहीं है कि वो नाराज हो गया किधर हाथ। भाई अनुष्का शर्मा अगर माइंड कर रही हो तो फिर भी मुझे समझ आती है, लेकिन मेरा जिसम मेरी मर्जी तुम लोग क्या मसला है। अच्छा वैसे कोहली भी बहुत जो है ना वो निराश नजर आ रहा है, वो रो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कह रहा है कि बाबर तुमने मेरी इज्जत की। मैं कहता हूं यार बहुत ही घटिया थंबनेल था, इंस्पिरेशन है आप लोगों की व्यूज लेने के लिए यार, मुझे कॉन्टैक्ट कर लिया करो, मैं आप लोगों को शाउट आउट दे दिया करूं मुफ्त के अंदर की यार इनकी वीडियो देख लो, इस किस्म की घटिया हरकतें ना करें मेरे भाई। वो पहले टॉस जीतेंगे फिर तुम्हें बैटिंग की दावत देंगे, कितने आदमी थे 7, पहले तो 2 थे, हमारा थोड़ा सिक्योरिटी का मसला। आसिफ अली कॉल एन एम्बुलेंस बट नॉट फॉर मी डैड, व्हाई इज माय सिस्टर नेम्ड रोज, बिकॉज़ योर मदर लव्स रोजेस, थैंक्स डैड, नो प्रॉब्लम हारिस रऊफ, हारिस रऊफ इन वर्ल्ड कप। 135 में तो हम पेट्रोल नहीं देते, मैच कहाँ देने वाले थे, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने से सिर्फ पाकिस्तान खुद रोक सकता है। अली अगर आप नहीं देख रहे हैं माफ कर दे प्लीज। वाह भाई। कैसे मारा। 1 आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हर मैच के बाद जो है मेरा इसी किस्म का तबसरा आया करेगा जिसके अंदर हम क्रिकेट और कॉमेडी को मिक्स किया करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। हमारे कोई सब्सक्राइबर्स हो जिन्होंने अभी तक अरसलान के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें कर लें। और गाइज ये जो क्रिकेट रिव्यू था क्रिकोमेडी थी, कमाल की थी। और बात कर लेते अब न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच की, तो मैच काफ़ी अच्छा हुआ और ये मतलब वन साइडेड मैच नहीं था, ये टक्कर का मैच था और लग रहा था एंड में कि भाई न्यूजीलैंड जीत सकती है, बट एंड में आसिफ ने और शोएब मलिक ने जो पार्टनरशिप की और उन्होंने जो तेज़ी से रन बनाए तो न्यूजीलैंड हार गया, पाकिस्तान जीत गया। रन वैसे न्यूजीलैंड ने काफ़ी कम बनाए थे, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान वन साइडेड जीत जाएगी। हाँ पर वैसा हुआ नहीं और विकेट बहुत जल्दी गिर गए, और मुझे लग रहा था कि यार ये मैच कहीं फंस ना जाए, लेकिन शोएब मलिक खड़ा हुआ था और आसिफ अली सोचकर ही आया था कि मेरे को जाना और घुमाना है। और पाकिस्तान के काफ़ी लोग डरे हुए थे कि मैच हार ना जाए पाकिस्तान, क्योंकि पहले पाकिस्तान में भी इसके बाद काफ़ी लोगों ने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे दिए थे कि भाई हम ही जीतेंगे, न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी उनकी याद दिलाएंगे, ये न्यूजीलैंड काफ़ी बड़े बड़े ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे लोग, जो ओवर कॉन्फिडेंस थे
उनकी भी एक टाइम पे भाई फट गई थी भाई। अच्छा, जो हार ना जाए, लोग एक ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए भी हो गए थे क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया से जीता है, हाँ, इसलिए भी वो चीजें आ गई थी। और गाइज, हम तो पाकिस्तान को इस मैच में सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा तो इंडिया के ज्यादा चांस रहेंगे ऊपर आने के, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जीत जाता तो फिर फंस जाता यार, समझ नहीं आता कि कौन कैसे आएगा। बट इंडिया को काफी फायदा हो गया इसमें, अब इंडिया को न्यूजीलैंड को हराना है एंड स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान को हराना है तो फिर वो इंडिया इजीली अंदर आ सकता है। तो इंडिया के लिए अब थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को ऑलरेडी हरा दिया है, तो न्यूजीलैंड ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो इस वजह से काफी सारे इंडियंस न्यूजीलैंड को हराना चाह रहे थे और इंडिया पाकिस्तान को, और मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई इंडिया भी आए और फाइनल में एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान जो है आमने सामने हो। शोएब अख्तर ने भी उनके यूट्यूब चैनल पे बात कही थी कि यार इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए, मजा आ जाएगा भाई, फाइनल होना चाहिए, इस बार इंडिया जीतना चाहिए। और केन विलियमसन की जो बात है, जो उन्होंने कहा है कि पर्सनल ग्रजेस मत रखना, उस चीज को भी बहुत आड़े हाथों लिया गया है। हाँ, काफी लोग आड़े हाथों ले रहे हैं, बट यार उसमें क्रिकेटर्स को नहीं ब्लेम करना चाहिए, क्रिकेटर्स का उसमें कोई नहीं है, उनके बोर्ड ने, उनके गवर्नमेंट ने उनको बुलाया, तो क्रिकेटर्स का इसमें कोई हाथ नहीं है। इमाद वसीम का इंटरव्यू भी आया था जिसमें उन्होंने यही कहा था कि क्रिकेटर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो भी है पॉलिटिक्स हाँ। वैसे इस बार का T20 वर्ल्ड कप जो है काफी ज्यादा ही मजा आ रहा है देखने में, पता नहीं ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पहला ही मैच वो जो था वो बहुत बड़ा था, स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनका पहला ही मैच एक दूसरे के आमने सामने था। तो इस तरह से ना वर्ल्ड कप का जो स्टार्ट है वो बहुत अच्छा हुआ और बहुत ही बड़े लेवल पे हो गया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड देखता है। मुझे नहीं लगता कि फाइनल में भी उससे ज्यादा TRP आती होगी जितने इंडिया और पाकिस्तान में आती है। तो हाइप जो है इस बार वर्ल्ड कप का बहुत ही ज्यादा है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई ना कोई एशिया टीम ही वर्ल्ड कप जीते। पहले तो मैं इंडिया की साइड हूँ, अगर इंडिया नहीं जीता तो फिर कोई ना कोई एशियन टीम को ये वर्ल्ड कप मिलना चाहिए। लेट्स सी अब आगे जाके क्या होता है। वैसे मैं टॉप फोर अपनी टीम बताऊं जो सेमीफाइनल्स में खेल रही है, तो वो मेरे हिसाब से होंगी, एक तो इंडिया होगी, एक पाकिस्तान होगी, एक ऑस्ट्रेलिया होगी और एक इंग्लैंड होगी। मुझे भी यही लगता है। आप लोगों को क्या लगता है टॉप फोर में कौन होगा, कमेंट करके बताओ। बिल्कुल। और अरसलान ने जैसा कि कहा इस वीडियो में कि इनके प्रीवियस वीडियोस में इनको इंडियन से कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, भाई हमने जो वीडियो पर हमने रिएक्शन किया था इनके वीडियो पर, काफ़ी ज़्यादा गलत गलत बातें हमें सुनने को मिली, स्पेशली हमारी कंट्री के खिलाफ बहुत कई लोगों ने गलत चीज़ें बोली, तो उन लोगों की बातें, उन लोगों के कमेंट्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने डिलीट करे उसमें से। वैसे कई लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी किए, उन सबको थैंक यू, बट काफ़ी लोगों ने गलत कमेंट किए, जैसा कि उन्होंने कहा कि जो कि बहुत गलत लगता है मुझे। अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं दोनों ही साइड पर, हाँ, तो जो बुरे लोग यार बुरी ही बातें लिखेंगे, अच्छा कुछ लिख ही नहीं सकते। बिल्कुल, वो वैसे ही लोग थे जिन्होंने विराट और बाबर का जो थंबनेल बना दिया, उस तरह के ही लोग होंगे। बिल्कुल, तो रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे की कंट्री को। तो गाइस, आप बताओ आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन, अच्छा लगे वीडियो तो करो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।